स्वागत है, नमस्ते, आदाब, श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। गाइस, सो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट सेशन काफी प्रोडक्टिव था। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में अपन लोग ने अच्छा खासा डिटेल में पढ़ लिया। थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल एंड एमसीक्यूज भी कर लिया। आई होप आप लोग ने समझ लिया होगा। एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट? सो उसके पहले, ठीक है ना, एक आदत रखेंगे, ट्राई करेंगे दैट जो भी अपन लोग ने लास्ट सेशन में किया है उसको एक क्विक 2 मिनट में भले रिवाइज कर लेंगे, सो दैट चीजें दिमाग में रहे एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, राइट पब्लिक? चलो डन। सो कल स्टार्ट किया अपन लोग ने ये नया चैप्टर जिसका नाम था मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने तुम लोग को बताया कि कैसे जापान ने फोकस किया क्वालिटी के ऊपर, संकल्प ने फोकस नहीं किया क्वालिटी के ऊपर एंड उसकी वजह से उसको कितना प्रॉब्लम हुआ। देयर वर टू मेजर कंपनीज जैसे कि सैमसंग का नोट 7 एंड फोक्सवैगन, दे बोथ हैड टू रिकॉल देयर प्रोडक्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्वालिटी। सो बेसिकली कहने का मतलब कल ये था कि क्वालिटी के ऊपर जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, एट दैट पॉइंट इन टाइम ओनली इतना अच्छा फोकस रखो सो दैट बाद में आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, बाद में आप लोगों को कोई भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। Am I right? Yes, sir. So on that note, फिर समझने की कोशिश की कि यार इस चैप्टर में मेजरली 3 चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है। कल अपना फोकस उसमें से एक चीज के ऊपर था, विच इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, राइट? आज अपना फोकस होने वाला है इस चैप्टर के सेकेंड एस्पेक्ट के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट? एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी SCM, विच इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, करेक्ट? डन। इस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में भी अपन लोग ने पढ़ा कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। इस कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में भी 2 चीजें होती है, एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा होता है अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में 2 चीजें होती है, एक होता है इंटरनल फेलियर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फेलियर। बस ये सब मिला के बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर, एकदम सही। इसी के साथ अपन लोग ने कुछ और कनेक्टेड चीजें भी सीख ली, जस्ट एक रिकैप आप लोगों को करवा दूं। एक अपन लोग ने सीखा पैफ मॉडल, प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल। दूसरा अपन लोग ने सीखने की कोशिश की कि इसमें ही एक आइसबर्ग मॉडल होता है, जहां पे उसने बोला कि यार कितने सारे कॉस्ट तो ऐसे हिडन होते हैं, राइट? कितने सारे क्वालिटी कॉस्ट तो हिडन होते हैं, तो उनका भी देखो ध्यान रखना है। फिर अपन लोग ने देखा ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलता है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। तो ये सब मिला के मेरा कल का सेशन कंप्लीट हुआ। फिर बाद में ऑब्वियसली और कुछ बेसिक सी चीजें थी, जैसे शिफ्ट फ्रॉम द सप्लायर्स मार्केट टू द बायर्स मार्केट। तो आज की तारीख में जस्ट अ मोमेंट, डिस्को कर रहा है जी। हाँ, देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सप्लायर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट। सो जैसे ही सप्लायर्स मार्केट से हम लोग शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द बायर्स मार्केट, नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड बिग टाइम। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एक्सेस कैपेसिटीज को यूज किया जा रहा है वर्ल्ड ओवर एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी अंडरस्टूड। सो ये मेरा कल का पूरा एक यू कैन से जिस्ट था मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट का। एंड ऑन दैट नोट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, अगेन अ कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन जापान बाय द टोयोटा कंपनी। यू नो आज जो अपने को लगता है यार टोयोटा कंपनी इतनी मस्त है, बट लेट मी टेल यू, दिस टोयोटा कंपनी हैज अ ह्यूज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ऑलमोस्ट ये चैप्टर इन्हीं की देन कि इन्होंने टोयोटा ने कितने अच्छे तरह से ये सब चीजों को इम्प्लाई किया। नाउ क्या है एग्जैक्टली ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस, ठीक है ना, जिंदगी भर चलते रहेगी ये चीज। से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
ठीक है ना, जो वर्ल्ड के सब ग्रेट लोग है ना, वो लोग कभी ऐसा नहीं करते कि हाँ चल आज मैं कुछ अच्छा करूंगा कल छोड़ दूंगा। ये एक प्रोसेस है, जिंदगी भर उन्होंने ये अच्छा ही काम किया है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, वाई इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, वाई इज कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेयर दैट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ही हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एज द गेम प्रोग्रेस्ड। सो ऐसा नहीं था कि भाई देखो 16 साल की उम्र में तो उनको तो क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया इंटरनेशनल लेवल पे, 5-6 साल में ही वॉज ऑलमोस्ट एट द टॉप। तो क्या 5-6 साल बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया क्या? नहीं, 24 साल जब खत्म हुए, जब उनका लास्ट मैच था, उस दिन भी लास्ट मैच वानखेड़े में ही था, बॉम्बे में मैं देखने को गया था, उस दिन भी वो बंदा मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहा था। लास्ट मैच है ना, उसको क्या जरूरत है भाई, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं इसके बाद कोई सिलेक्शन होने वाला है कुछ, बट ही वॉज स्टिल प्रैक्टिसिंग इवन ऑन दैट डे। क्यों? क्योंकि बंदे में एक इनबिल्ट इनहेरेंट वो है TQM का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, और सपने को क्वालिटी देना है ही, तो इट इज अ प्रोसेस दैट ही फॉलोड, राइट। MS धोनी, अ प्लेयर विच हैज गॉट सो मेनी वर्ल्ड कप्स टू इंडिया, अगेन उनका क्या कहना है, फोकस ऑन दी प्रोसेस, दी रिजल्ट्स विल कम। सो आपको आपके इनपुट इतने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी हो ही जाएगी। तो यहां पे TQM भी वैसा ही है, ऐसा नहीं कि चल भाई कुछ कर लिया TQM हो गया, नहीं, TQM ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे चीजों को इम्प्रूव करते हो, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हो, दैट इज वॉट TQM इज। और ये खाली एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरे बिजनेस का काम है, ये पूरे इंडस्ट्री का काम है। जब पूरा इंडस्ट्री, जब पूरा का पूरा बिजनेस कुछ अच्छा करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, दैट इज वेन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अचीव्ड, दैट इज वेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अचीव्ड। तो अब इस प्रोसेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आपका पढ़ाई भी वैसा ही है बॉस, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मैं 5 दिन के लिए 20 घंटा पढ़ लूंगा, मेरा 100 घंटे का पढ़ाई हो गया, हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, बेटर वे में आपको पढ़ाई करनी है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, कभी थ्योरी कभी प्रैक्टिकल, एवरीथिंग हैज टू बी कंबाइंड टुगेदर, हैज टू फॉल इन प्लेस, मेंटली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशंस, ये सब चीजें करते करते आएगी, ठीक है ना। जब मेन एग्जाम देना है तो सीधा मेन एग्जाम देने को जाओगे, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाएगा, तो उसके पहले आप एक दो मॉक टेस्ट दे दो। तो आप एक दो जब मॉक टेस्ट दे देते हो तो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नो ओके आपने क्या क्या गलती की, सो दैट मेन एग्जाम आपसे मैनेज हो जाएगा। तो प्रोसेस फॉलो किया आपने, क्या मॉक टेस्ट का पेपर्स दिया, मॉक टेस्ट में आपने अच्छा तैयारी किया, जो गलती थी वहां से सीखे, सो दैट जो आउटकम है, जो मेन एग्जाम है, उसमें थिंग्स विल फ्लो ऑटोमेटिकली, राइट। दिस इज एग्जैक्टली वॉट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, एंड इसमें जो टोटल है दैट स्टैंड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम, जी हाँ। सो यहां पे टोटल स्टैंड फॉर ऑल एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सो बी इट अ लो लेवल एम्प्लॉय, बी इट अ सुपरवाइजरी लेवल एम्प्लॉय, बी इट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बी इट द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी हैज टू फोकस ऑन टोटल क्वालिटी, ठीक है ना। सपोज मेरा ये पेन बेचने का बिजनेस है, ठीक है, ये पेन जब मैं बेच रहा हूं तो एवरीथिंग इन दिस पेन हैज टू बी परफेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये निब बना रहा है वो बहुत अच्छा है, ये जो बॉडी बना रहा है वो बहुत अच्छा है, पर ये जो ढक्कन बनाने वाला आदमी है, छोटा सा पेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये जो पेन बना रहा है इसका ये जो ढक्कन बनता है ना, सपोज ये बंदा अगर एफिशिएंट नहीं है, तो अगर ये छोटा सा ढक्कन भी सही से नहीं बनाना, आपका ये अंदर नहीं जाएगा एंड इट विल नॉट क्लोज प्रॉपरली। सो एवरीथिंग हैज टू फॉल इन प्लेस एट द राइट प्लेस। मैं बोलता हूं बाकी सब चीजें ठीक है, जो आपका इंक बना रहा है उसने अगर प्रॉपरली इंक नहीं पुटअप किया, योर पेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सो दैट्स वेयर ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी इक्वली कमिटेड टू दी वर्क, टू दी क्वालिटी, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो फ्रॉम द लोएस्ट लेवल से द टॉप लेवल, राइट। सो फ्रॉम लो लेवल एम्प्लॉय, तुम लो लेवल एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट करोगे तो पेन
टॉप लेवल को भी उतना ही अच्छा काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सो इवन एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू वर्क इक्वली, क्योंकि देखेगा वो आपको ही होता है ना, बच्चा माँ बाप को देखता है और उस हिसाब से अपने काम करता है, बस एग्जैक्टली वही है। प्लस टोटल का और एक मीनिंग है, ये ही टोटल का और एक मीनिंग है, क्या है वो मीनिंग, दैट मीनिंग सेज दैट इट इज देयर इन ऑल द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट। सो इट कुड बी अ इंट्रोडक्शन स्टेज, तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज और ये सब क्या है ये आपको मैं चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी आइडिया रहेगा आप लोगों को कि सुना होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, मच्योरिटी स्टेज होता है, फिर बाद में ग्रोथ स्टेज होता है, फिर मच्योरिटी स्टेज एंड देन फाइनली डिक्लाइन स्टेज। तो एट ऑल स्टेजेस यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन क्वालिटी, ऐसा नहीं कि चल अभी तो मैं ग्रोथ स्टेज पे आ गया हूं अब मैं क्वालिटी नहीं दूंगा चलो आराम का काम करता हूं, नहीं चलेगा, ई नॉट ऑल वे। सो एट ऑल स्टेजेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज दैट इज वॉट टोटल इज, तब जाके यू विल बिकम द बेस्ट इन द बिजनेस। इसीलिए वर्ल्ड वाइड टोयोटा इज कंसिडर्ड, टोयोटा कार्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कार्स ऑफ एनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, करेक्ट। तो ये हुआ अबाउट द टोटल। दूसरा चीज है क्वालिटी। सबसे पहले तो क्वालिटी क्या होती है ये अपन लोग ने कल पढ़ा था, और इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो आज की तारीख में क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन है। कल अपन लोग ने पढ़ा कि बॉस क्वालिटी के परव्यू में क्या क्या चीजें आती है, ये देखो इधर थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो क्वालिटी के परव्यू में क्या क्या चीजें आती है, कन्फर्मेंस टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर जो बोल रहा है वो तो देना ही है, सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड गिव हिम वैल्यू फॉर मनी, और इसी में मैं आज एक और चीज ऐड करता हूं वो है एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर को अगर उसको जो चाहिए उससे बेटर दिया ना तो बस ही विल बिकम द फैन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाट वी वांट, उम्मीद से दुगना दो, राइट। वो एक्सपेक्ट कर रहा है 1, गिव हिम 1+1=11, वो खुद आपके प्रोडक्ट के लिए 10 जन को जाके बोलेगा, राइट। सो एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस प्लस सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। अगर मेरा कस्टमर खुश है, उसको जो वांट्स चाहिए एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट से वो उसको मिल रहा है, तो सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और क्या चाहिए उसको। एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द होल सिस्टम इज मैनेजमेंट, विच इज नथिंग बट प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग, एंश्योरिंग दैट द सिस्टम्स आर इन प्लेस, द सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो अगर मेरे को मैनेजमेंट के लिए कुछ लिखना थोड़ा खिचड़ी हो गया, बट इट्स ओके, आप लोग अपनी बुक में थोड़ा अच्छी तरह से लिख सकते हो आई एम श्योर, मैं क्या पढ़ाने के फ्लो में तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही जाता है, क्या बोलते हैं। सो यहां पे द सिस्टम्स हैव टू बी इन प्लेस, सिस्टम्स इन प्लेस। सो इफ द सिस्टम्स आर इन प्लेस देन इन दैट केस वी विल से दैट मैनेजमेंट सही चल रहा है, कि भाई टाइमली प्रोडक्ट कस्टमर को मिलना चाहिए, कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो टाइमली प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस, प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या आपको समझ में आया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। सो दिस इज वेयर, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार, अभी समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया एम्प्लॉय, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसको भी आपको ये चीज सिखानी है, राइट। ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द स्टेजेस, प्लस इसके अंदर मैं आपको बोलू सप्लायर भी इंक्लूडेड होता है, सप्लायर इज ऑल्सो इक्वली शुड बी इक्वली पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोयोटा अपने सप्लायर, टोयोटा को सप्लाई करता है निपॉन डेंट्सू, ठीक है, अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। सो ये जो टोयोटा जब अपने सप्लायर जब डिसाइड करना था तो इट वेंट टू इट्स सप्लायर्स शॉप फ्लोर, उसके इंजीनियरिंग शॉप फ्लोर पे गया, उसने देखा कि हाँ भाई ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, काम बराबर है कि नहीं,
प्रवरे, क्या ये लोग हमारे को अच्छा रॉ मटेरियल दे पाएंगे कि नहीं? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे बनेगा ना। से फॉर एग्जांपल, मेरे को ये आउटपुट बनाना है, ये आउटपुट बनाने के लिए मुझे चाहिए ये प्लास्टिक। हेलो, ये आउटपुट बनाने के लिए मुझे चाहिए प्लास्टिक। तो अब मैं सप्लायर के पास से प्लास्टिक मंगाऊंगा, तो कितना अच्छा प्लास्टिक बना रहा है मेरा सप्लायर, दैट बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उसके सप्लायर के उधर गया, टोयोटा, देखा उसने कि हाँ भाई, इनके इंजीनियर्स अच्छे हैं कि नहीं, क्या ये टाइम पे हम लोग को डिलीवरी दे पाएंगे कि नहीं, क्या ये क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छा है कि नहीं। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का नहीं आया, मेरा आउटपुट जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का आ ही नहीं सकता यार। क्या बात कर रहे हो, पॉसिबल इज नहीं है। वो एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अपने को क्या चाहिए, अच्छी चीजें इन, सो दैट अच्छी चीजें आउट आ सके, ठीक है ना। तो आलू डालोगे सोना मिलेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ में यार। ओके, सो दैट इज अबाउट योर टोटल एवरीबॉडी, सप्लायर से लेकर, एम्प्लॉय से लेकर, कस्टमर से लेकर, हम सबको ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ाएंगे, सो दैट एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फोकस विल ऑलवेज बी ऑन क्वालिटी, एक्सीडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेशन, एंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, मैनेजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, एंश्योरिंग दैट सिस्टम्स आर इन प्लेस, टाइम टू टाइम डिलीवरी हो रहा है, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है TQM? समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है TQM? जी हाँ, राइट, यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब थोड़ा आ जाओ इसके ऊपर, आ जाते हैं अपन अपनी बुक के ऊपर आ जाते हैं, राइट। अदरवाइज मैं तो तुम लोग को ज्ञान देते रहूंगा, बट इवेंचुअली बुक के थ्रू भी अपने को चीजें समझ में आनी चाहिए। आइए, सो TQM इज अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट ओरिजिनेटेड इन 1950s। ये लोग सब डेमिंग, मतलब ये सब जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, ये लोग आना चालू हो गए थे 1950s में बॉम्बिंग के बाद, और इन्होंने ये सब चीजें पाठ पढ़ाना चालू कर दिया। एंड हैज बिकम मोर पॉपुलर सिंस द अर्ली 90s। कॉन्सेप्ट ऑफ TQM वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, डेमिंग इज कॉल्ड एज द पिता ऑफ TQM, फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जोसेफ जुरैन, उसी का कोई भाई बंद होगा भाई, जोसेफ जुरैन बहुत बड़ा आदमी है ये जोसेफ जुरैन भी क्वालिटी के नाम पे। एंड आर्मंड वी फिनबॉम, सर हमको ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्या MCQ के लिए? नॉट रियली। TQM इज अ मैनेजमेंट फिलोसॉफी दैट सीक्स टू इंटीग्रेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। मैंने बोला ना, खाली एक नहीं, सबको उतना ही फोकस करना है। बी इट यू कैन बी एट एनी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी हैज टू बी इक्वली फोकस्ड। बी इट द मार्केटिंग टीम, बी इट द मैनेजर, बी इट द टॉप लेवल डायरेक्टर, बी इट द फाइनेंस टीम, बी इट द प्रोडक्शन टीम, बी इट द परचेज टीम। अरे तुम नाम लो उसका, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। व्हाई? टू फोकस ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इवेंचुअली तो सबको वही चाहिए, राइट। ये देखो इधर थोड़ा सा भी अपन लोग नीचे आ जाएंगे एक बार, फिर आई अगेन गेट बैक। सो टी टोटल स्टैंड्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी इन द सप्लाई चेन, पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन से ग्रोथ से लेकर मैच्योरिटी से डिक्लाइन तक, एवरीवन। क्वालिटी, इंश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। आई तो ऑलवेज बिलीव इन दिस, बॉस ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ दैट इट एक्सीड्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देख के आपका प्रोडक्ट देख के वो कस्टमर बोलना ही चाहिए, वाह क्या चीज बनाई है, समझ रहे हो? दैट इज वेयर यू हैव मेड अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट। या सर्विस अगर दिया है तो ऐसा सर्विस दोगे बोले यार क्या बात है, क्या सर्विस मिला है, मजा आ गया। दैट्स वेयर क्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड। एंड मैनेजमेंट, जैसा मैंने बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल सिस्टम्स, ऑल ऑफ दिस हैज टू बी इन प्लेस। और ये ऐसा नहीं कि आज का ही है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फोकस, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। कस्टमर के ऊपर फोकस ऑलवेज रहेगा, एंड टेक्निक्स एम्ड एट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। तो जितने भी अपने सिस्टम्स है, प्रोडक्ट्स है, प्रोसेसेस है, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करना। तो तीन मेन चीज क्या है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है अपने आप को, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स
को इम्प्रूव करते जाना है। तो ये जब कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे ना, तो आपका TQM सही मायने में अचीव हो जाएगा, आपका TQM सही मायने में अचीव हो जाएगा। TQM एम्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिसेस। सो आप लोग का इंटरनल प्रैक्टिसेस, इसीलिए बोला एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में कहना से इंटरनल लोग आ गए, तो ये लोग के साथ रेगुलर मीटिंग्स, इनको प्यार से समझाना। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इट रिक्वायर्स द कंपनी टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बिजनेस, इंश्योरिंग दैट थिंग्स आर डन राइट द फर्स्ट टाइम एंड दैट डिफेक्ट्स एंड वेस्ट आर एलिमिनेटेड। चाहिए ही नहीं अपने को किसी भी तरह का वेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है। कह रहा हूं मैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, हर रोज आप हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ एक कटाक्ष सरकैज़म देके जाऊंगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिले या डीमोटिवेशन से मोटिवेशन मिले, विच विल एंश्योर दैट यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, थिंग्स आर डन राइट द फर्स्ट टाइम एंड दैट डिफेक्ट्स एंड वेस्ट आर एलिमिनेटेड। चाहिए नहीं, इट शुड बी द बेस्ट। TQM इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम विच सो फोकस इज ऑन, किसके ऊपर है फोकस? सो देखो अगेन, थिंग्स आर डन राइट द फर्स्ट टाइम विथ बेस्ट क्वालिटी, वेस्ट एलिमिनेटेड। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप लोग भी हाईलाइट कर लेने का, अगर कभी MCQs में आया सो यू शुड नो इट बेसिकली, राइट? ओके, फोकस ऑन मीटिंग कस्टमर्स नीड्स बाय प्रमोटिंग क्वालिटी सर्विसेज, तो ये एक हो गया। तो इधर मैं अपने को एक कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं सो दैट अपने को ध्यान में रहे चीजें। सो TQM का फोकस क्या है? पहला, मीटिंग कस्टमर्स और ओनर्स नीड्स, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज। तो पहला चीज है बॉस, क्वालिटी सर्विसेज दो तो कस्टमर खुश, बराबर है, कस्टमर सेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फाइड, डन। सेकेंड 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 और क्या करना पड़ेगा? एट रीजनेबल कॉस्ट, सो कॉस्ट कॉन्शियस भी होना चाहिए भाई, अपना कंपनी लूटना नहीं है, इंश्योर करना है कि सही कॉस्ट में चीजें बने। फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये तो मतलब पूरे पूरे TQM में जहां पे भी अपने को दिख रहा है अपने को ये वर्ड तो लिख कर ही आना है, क्या? कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, फोकस इज ऑन द वे टास्क आर अकम्प्लिश्ड, एम्फसाइज इज टीम वर्क, क्योंकि पूरा टीम मिलके काम करेगा तभी जाके TQM अचीव कर पाएंगे। सो वी विल राइट हियर टीम वर्क, व्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनल सिस्टम विद कॉमन एम, सो गुड इंटरनल सिस्टम्स, योर इंटरनल सिस्टम्स इन जनरल हैव टू बी वेरी वेरी गुड। सर हम लोग भी साथ साथ में लिखे, लिखो तो अच्छा ही है। एंड लास्ट इज रिकॉग्नाइज रोल ऑफ एवरीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सबका साथ सबका विकास, करेक्ट? सो रोल ऑफ एवरीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ एवरीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब मिला के बनता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सबके ऊपर अपने को इन जनरल ध्यान रखना है। तो टोटल क्या है, क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, पता है अपने को। उसके ये जो तीन मेन पॉइंट्स है, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टेक्निक्स एम्ड एट इंप्रूविंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, अपने को पता चल गया, डन डन। फिर इन जनरल किसने स्टार्ट किया, डेमिंग, ज्यूरेन एंड अरमैन फॉनबूम, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हर एक फंक्शन, मार्केटिंग, डिजाइन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस, सबके ऊपर अपने को ध्यान देना है। इन जनरल फोकस क्या है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स तुम लोगों को लिखवा दिया है। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस थिंग। TQM's मेन एम, हेलो मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू इरेडिकेट वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। वेस्ट को हटाओ, एफिशिएंसी को बढ़ाओ, वेस्ट को हटाओ, एफिशिएंसी को बढ़ाओ, करेक्ट? डन। सो दैट्स अबाउट योर यू कैन से ओरिजिन और इंट्रोडक्शन ऑफ TQM। अब अपन लोग चलेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज 6 C's ऑफ TQM। अगर आप लोगों का मतलब थियोरी बेस्ड एग्जाम होता ना राइटिंग वाला, देन इन दैट केस मैं बोला ही होता कि यार ये तो एकदम बराबर करके जाना, फॉर श्योर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कितनी बार SCMP में एटलीस्ट 3-4 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका था,
सिक्स ईज ऑफ टीक्यूएम के बारे में। अब आ सकता है किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि आपको फाइंड आउट करके बताना है कि क्या ये इज दिस सी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ सिक्स सी। तो आपको ये सिक्स सी याद रखने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको ये सिक्स सी याद रखने पड़ेंगे। सो ये सिक्स सीज आपको रिमेंबर करने होंगे। सो दैट ये तो गारंटीज लिख ही लो, एमसीक्यू में आने वाला है। विच ऑफ देम इज नॉट अ सिक्स सी। फिलहाल कौन से है मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। पहला है कमिटमेंट। कमिटमेंट शुड कम फ्रॉम एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि खाली बॉस बोलेगा आर्टिकल क्लर्क को, प्रिंसिपल बोलेगा आर्टिकल क्लर्क को, चल भाई तू काम कर, मैं मजे करूंगा, मैं मैच देखूंगा, आईपीएल देखूंगा, स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करूंगा, और तू जाके ऑडिट करेगा, ऑडिट करके एक एक चीज का ना। चल भाई, कमिटमेंट शुड कम फ्रॉम एवरीवन, शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल सो दैट क्वालिटी इंप्रूवमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ एवरीवन्स जॉब। समझे? सेकेंड, कल्चर। कल्चर अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल स्टार्टअप कल्चर और ये सब के बारे में तुम लोग ने सुना भी होगा, ठीक है? सो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरल। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटेरियन कल्चर होता है, कभी कभी किसी का जोवियल कल्चर होता है। सो इट डिपेंड्स कि आपका कल्चर कैसा है। एंड द बेटर द कल्चर, द मोर द लाइकलीहुड कि एम्प्लॉयज विल स्टे बैक इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कल्चर नीड्स टू बी मॉडर्नाइज्ड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस बेस्ड ऑन एंकरेजिंग एम्प्लॉयज फीडबैक। ठीक है, इट्स ऑल ऑन दैट। एंड जितना आप उसको ट्रेनिंग दोगे, जितना आप उसको ट्रेनिंग एंड क्वालिटी दोगे, उतना कल्चर इंप्रूव होगा फॉर श्योर। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये तो टीक्यूएम करे कि ना करे, जिंदगी में सबका एंड मोटिव शुड बी दिस। हाउ कैन आई बी बेटर देन माई सेल्फ ऑफ येस्टरडे। वाह, व्हाट अ लाइन। हाउ कैन आई बी बेटर, क्या बोला? हाउ कैन आई बी बेटर देन माई सेल्फ। खुद से ही कंपीट करो, बस हो गया। कल के संकल्प और आज के संकल्प में क्या बेटर है वो देख ले, क्या उसने कुछ इंप्रूव किया है क्या नहीं, तो बैठ और कर इंप्रूव। दैट्स हाउ इट शुड बी, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ प्रोसेस। कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, कुछ भी हो, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स, बी एनीथिंग। कंटिन्यूअस सर्च ऑफ प्रोफिशिएंसी टू डू द टास्क बेटर। जितना आप कंटिन्यूस इंप्रूव करोगे उतना आप बेटर करोगे। कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। से फॉर एग्जांपल, कभी मेरे को बाहर जाना है तो आई विल टेल माय को कलीग कि बॉस प्लीज तू मेरा काम कर देना। कभी उसको बाहर जाना होगा, मैं उसका काम कर लूंगा। सो देर इज अ कोऑपरेशन, ठीक है ना। सो टीक्यूएम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। सो एम्प्लॉय शुड बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे कोऑपरेट विद ईच अदर। यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड स्ट्रेटजीज एंड एसोसिएटेड परफॉर्मेंस मेजर। डन। कस्टमर फोकस, इसमें तो क्या ही बोलू मैं, बट ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर खुश, बाकी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ इज द इफ द कस्टमर इज हैप्पी। बाकी सारी चीजें तुम्हारी ढक जाएंगी, छुप जाएंगी, अगर कस्टमर खुश है तो। इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर सबके ऊपर फोकस करना है। परफेक्ट सर्विस विद जीरो डिफेक्ट्स, दैट इज एक्सेप्टेबल। एंड देन लास्टली कंट्रोल। कंट्रोल मतलब रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करो। दैट इज वॉट कंट्रोल इज। मैंने बोला ना, 5 दिन पढ़ाई कर लिया, आपको लगा कि आप हीरो बन गए, 6th डे से वापस ठप बड्डा डार। नहीं, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट कंटिन्यूअसली। अगर कोई मुझे आके बोलता है कि मैंने है ना 4 दिन 20 आवर्स पढ़ाई किया और 80 आवर्स पढ़ लिया, और 4 दिन मैंने आराम किया, टोटल 80 आवर्स पढ़ा वो, 4 दिन 20 घंटा, 4 दिन उसने आराम किया। और कोई आके मुझे बोलता है कि मैंने 8 दिन 10 10 घंटा काम किया, फॉर मी दैट पर्सन हु हैज वर्क फॉर 8 डेज फॉर 10 आवर्स इज मच बेटर देन दी अदर पर्सन। सो बॉस कंसिस्टेंटली ये सेम जो ऊपर लिखा है उसको फॉलो करते जाओ। दैट इज अबाउट कंट्रोल, मॉनिटरिंग, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड इंश्योरिंग दैट थिंग्स आर एट द राइट, थिंग्स आर बीइंग डन एट इन द राइट मैनर। सो व्हाट आर द 6 C's ऑफ टीक्यूएम? फर्स्ट, कमिटमेंट फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर अच्छी तरह से फॉलो करना है, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है, कोऑपरेट करना है एम्प्लॉयज को, कस्टमर के ऊपर फोकस, एंड कंट्रोल। चलो और लिख लेते हैं सो दैट वी आर सब कॉन्शियसली क्लियर। सो क्या है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द 6 C's ऑफ टीक्यूएम? बहुत फेमस है ये 6 C's ऑफ टीक्यूएम। पहला, कमिटमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक इंसान का। दूसरा, कल्चर, पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए। आप आइए कभी हमारे ऑफिस में,
कल्चर क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। देन कोऑपरेशन अमंग्स दी एम्प्लॉयज, फिर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते ही रहना है। याद रखना ये ना याद रख, मतलब 6 के 6 ना याद रखना, मैं रीजन बोल रहा हूँ। कुछ एक वो लोग बीच में ऐसा डालेंगे ना कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ ना ये था कि नहीं था, है ना वैसा, है ना। सो ये कस्टमर के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है, एंड ये सबको फॉलो करवाने के लिए मुझे चाहिए प्रॉपर कंट्रोल। समझ में आ रही है बातें? डन। सो दिस इज अबाउट योर 6 C's ऑफ TQM। फिर चलते हैं आगे एंड आ जाते हैं हमारे, बोला था ना मैंने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो किसके पिता? क्वालिटी कंट्रोल के पिता। अगर क्वालिटी कंट्रोल बच्चा है तो उसके पिता है मिस्टर एडवर्ड डेमिंग। बॉस आप जाइए आज भी जापान में और एडवर्ड डेमिंग का नाम लीजिए, क्या बात है, मतलब आज भी उनको एकदम सराहा जाता है, उनके नाम पे अवार्ड्स है, डेमिंग अवार्ड। जैसे ही वर्ड डेमिंग आया, इज इक्वल टू क्वालिटी, डेमिंग इज इक्वल टू क्वालिटी, पता है ना वैसा है। सो जैसे बोलते हैं ना विराट कोहली का नाम सुना, इज इक्वल टू क्रिकेट, वैसा ही है। सो TQM बाय डेमिंग, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या है फिलोसॉफी डेमिंग का? डेमिंग बोलता है कि आपका ट्रेनिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई डिफेक्ट आए ही ना इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट द एम्प्लॉय इज डूइंग। ये अपना आर्टिकलशिप के जैसा है। अगर आर्टिकलशिप में जो आर्टिकल क्लर्क है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया तो वो कभी गलती करेगा ही नहीं। अगर आर्टिकल क्लर्क ने गलती किया है तो उसका गलती नहीं है, वो आपने ट्रेनिंग नहीं दिया होगा इसकी वजह से ये गलती हुआ है, राइट। सो फिलोसॉफी ऑफ डेमिंग इज क्वालिटी इश्यूज ऑन अकाउंट ऑफ 15% मे बी ड्यू टू द वर्कर्स, कि भाई चलो वर्कर की गलती है, बट 85% बिकॉज आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम, आपका ट्रेनिंग सही नहीं है। 85% इश्यूज इज ऑन अकाउंट ऑफ या तो प्रोसेस, सिस्टम, पुअर मैनेजमेंट की वजह से, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। 15% बेचारा वर्कर बेचारे आर्टिकल क्लर्क की गलती है, बाकी 85% प्रोसेस, सिस्टम, मैनेजमेंट की गलती है। गॉट इट एवरीबॉडी? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, देन वी हैव टू एंश्योर दैट करेक्ट सिस्टम्स सिस्टम्स आर देयर टू एंश्योर दैट एन एनवायरमेंट इज देयर विच प्रमोट्स क्वालिटी। बस सिंपल, उसका तो फोकस तो वही था कि भाई क्वालिटी प्रमोट करना है। एंड ही एक्चुअली केम एंड सेड दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जापान को बहुत टाइम लगेगा, बट जापान के लोग ने जो शिद्दत से काम किया है, दे ट्रांसफॉर्म द होल इकोनॉमी, द होल कंट्री इन क्विक स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में आना इतना इजी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि फिर उनको 40 साल के लिए स्टैगफ्लेशन फेस करना पड़ा, जो मैं AFM में तुम लोगों को कराता हूँ। हो सके तो मेरा वो लेक्चर देखना, AFM का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, वहां पे मैंने बताया कि कैसे जापान, जिम्बाब्वे, ये सब कंट्रीज फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन अकाउंट ऑफ 2 थिंग्स। 1, जापान फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन अकाउंट ऑफ स्टैगफ्लेशन, एंड जिम्बाब्वे फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन अकाउंट ऑफ इन हाइपर इन्फ्लेशन। सो ऐसा इन दोनों का ये था। मैं आई शेयर द लिंक ऑफ माई ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम विद यॉल, आप लोगों को टाइम मिले तो देख लेना, अगर आप लोग को थोड़ा ज्ञान बढ़ाना हो, नॉलेज बढ़ाना हो, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। चलो एनीवेज, फिलहाल डेमिंग क्या बोलता है? डेमिंग बोलता है कि कोई भी क्वालिटी का इफेक्ट डिफेक्ट हुआ, क्वालिटी इशू हुआ, तो 15% इज ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू वर्कर्स, 85% ऑन अकाउंट ऑफ पुअर प्रोसेस, पुअर सिस्टम, पुअर मैनेजमेंट। तो आप उसको इंप्रूव करो, आप ट्रेनिंग को अच्छी तरह से इंप्रूव करो, करेक्ट सिस्टम प्रॉब्लम्स टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स क्वालिटी, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट गाइस? डन। सो दैट इज अबाउट योर डेमिंग। और फिर उसने बताया अपने फेमस द डेमिंग 14 पॉइंट्स। उसने बोला कि ट्राई टू यूज दीज पॉइंट्स इन योर बिजनेस टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। सबसे पहला उसने बोला क्रिएट अ कॉन्स्टेंट पर्पस टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट। शॉर्ट टर्म ग्रोथ के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पीछे भागो, तब जाके तरक्की मिलेगी। क्या होता है कई बार अपन लोग पढ़ाई में सोचते हैं चलना छोड़ना, ये ऑप्शन में छोड़ देता हूं, आया तो गया,
और नहीं आया तो निकल जाऊंगा, नहीं, ऐसा शॉर्ट टर्म फोकस नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म हर चीज पढ़ के जानी है, ठीक है ना, या नहीं तो कहीं और काम आ जाएगी, कहीं और नहीं तो कहीं और काम आ जाएगी। सो योर थॉट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो पब्लिक डालना ही नहीं चाहता है आज की तारीख में, तो क्या बोले अभी। सो जापानीज ने पुट अप किया, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, उन्होंने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा और फिर इतना अच्छा कर पाए। सो क्रिएट अ कॉन्स्टेंट पर्पज टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, अडॉप्ट द न्यू फिलोसॉफी। हाँ, कोई भी नया अगर सिस्टम आ रहा है, नया चेंज आ रहा है, सो एवरीबॉडी शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू इट। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो अडॉप्ट, ठीक है ना, एवरीबॉडी हैज टू अडॉप्ट। देन स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन। यार वो तो अलग ही लेवल का चीज बोल दिया उसने, उसने बोला इंस्पेक्शन करवाओ ही मत। आप क्या करोगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करवाओगे। क्यों इंस्पेक्शन करवाओगे, देखने के लिए कि प्रोडक्ट बराबर बनाए कि नहीं। सही है, ये अपना जनरल थिंकिंग है, ये लोग का थिंकिंग ही अलग है, डेमिंग का थिंकिंग ही अलग है। बोलता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम्हारे को इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ही तुम्हारा प्रोसेस, प्रिवेंशन, अप्रेजल, बिफोर प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, सब सिस्टम इतना अच्छा रखो कि तुम्हारे को आउटपुट बाय डिफॉल्ट सही आएगा, इंस्पेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूं, समझ रहे हो। सो स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस, यूज अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। से अभी अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें मेरे को प्लास्टिक चाहिए, बॉडी के लिए भी प्लास्टिक चाहिए, निब के लिए भी। अभी एक कहीं और से प्लास्टिक मंगा रहा हूँ, दूसरा कहीं और से प्लास्टिक मंगा रहा हूँ, सो देयर विल बी वेरिएशंस, ठीक है ना। आज कोई और सप्लायर, कल कोई और सप्लायर, तो सेम प्रोडक्ट के अंदर भी वेरिएशन आएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो वो बोलता है एक ही सप्लायर के ऊपर टिके रहो, वन सप्लायर, एंड ऐसा सप्लायर जो जीरो डिफेक्ट रॉ मटेरियल सप्लाई करता हो। सो यूज अ सिंगल सप्लायर, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन, अडॉप्ट न्यू फिलोसॉफी, क्रिएट अ कॉन्स्टेंट पर्पज टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट, इंप्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, ठीक है ना। यूज द ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए अपने जो भी वर्कर्स है उनका। इंस्टीट्यूट लीडरशिप, प्रोवाइड देम अ लीडरशिप पोजिशन, एंड उनके पास से कुछ अच्छे लेवल का काम करवाओ। किसके पास से, एम्प्लॉय के पास से, दे विल फील वैल्यूड। नेक्स्ट, एलिमिनेट फियर, डर नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसे करूंगा तो क्या होगा। एम्प्लॉयज शुड फील यू नो एम्पावर्ड टू डू बेटर थिंग्स। क्रिकेट का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्रिकेट का फॉलोअर हूं इसके लिए। कई बार बोलते हैं ना कि यार अगर आप एक फ्री हैंड दो कि भाई जा तू खेल, एकदम तेरे को जैसे खेलना है वैसा, तो एक बेटर परफॉर्मेंस आएगा। और अगर प्रेशर में रखोगे, नहीं, मुझे 6 बॉल में 60 रन चाहिए, 6 ओवर में 60 रन चाहिए ही चाहिए, बस कैसे भी करके लाके दे, तो ना प्रेशर हो जाओगे। आप लोग के साथ भी ऐसे ही, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए नहीं मेरे को भाई इतना ऐसा ऐसा चाहिए ही चाहिए, तो प्रेशर में सही चीज नहीं हो पाएगा। बट आपको बोला यार अच्छा काम करके दो, फिर ऑटोमेटिकली यू विल बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, आप अच्छा काम करके दोगे। तो एलिमिनेट फियर, डर नहीं होना चाहिए। प्रिवेंट वर्कर्स इन एक्टिंग फ्रॉम एक्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंटरेस्ट, उनको करने दो काम, अच्छे अच्छा करेंगे फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सो कई बार एक सीए फर्म में होता है, द आर्टिकल क्लर्क कैन नॉट टॉक टू द प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इजिली कम्युनिकेबल। बिकॉज समझो मैं कहीं पे ऑडिट करके आया हूँ और मैं अपने प्रिंसिपल से बात ही नहीं कर सकता, तो ये तो प्रॉब्लम का काम है। बिकॉज मैंने तो चलो काम कर दिया, अब सही है नहीं है, मेरे को कोई क्वेरी डिस्कस करनी है, और अगर मैं मेरे सीनियर से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर कैसे चलेगा दीदी। सो ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना, मतलब डिपार्टमेंट के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, आप बिंदास बात कर सकते हैं, कोई इश्यू है डिस्कस कर सकते हैं। गेट रिड ऑफ अनक्लियर सोगन्स एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस। हाँ, मतलब देखो क्या होता है, गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स, या आप उसको ऐसे भी पुट अप कर सकते हैं कि गेट प्रॉपर स्लोगन्स, यानी कहीं पे प्लेकार्ड्स ऐसे आप लगा सकते हो दैट आपका टाइमिंग कि भाई द ऑफिस स्टार्ट्स एट 9 AM शार्प, इट विल एंड एट 6 PM शार्प। सो ऐसा टाइम टू टाइम चीजें होनी चाहिए, आप कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए स्लोगन्स कि भाई क्या कंपनी का कल्चर है, क्या वो कहना चाहते हैं, वो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड विजिबल टू ऑल दी एम्प्लॉयज। ये थोड़ा पुराने टाइम का पॉइंट है, क्योंकि वो टाइम पे फैक्ट्री के बाहर वो सब चीजें ऐसी लगाई जाती थी। आजकल तो ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, राइट। सो ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू आपको कंपनी का कल्चर और ये सब के बारे में बता दिया जाता है, बट पहले ऐसे फैक्ट्री के बाहर लगाया जाता था। सो अनक्लियर स्लोगन्स नहीं होना चाहिए वहां।
एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर ऐसा मैं आपको बोलूं 1 घंटे में मुझे 20 यूनिट बना के चाहिए ही चाहिए, वरना तेरा जॉब गया। अब आप क्या करोगे, वो 20 यूनिट बनाने के चक्कर में, 20 यूनिट बनाने के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। अब बोलोगे नहीं नहीं 20 यूनिट कैसे भी बना के देना है, अरे पर क्वालिटी नहीं, नहीं छोड़ना, 20 यूनिट कैसे भी बना के देना है, उस चक्कर में यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्शन टारगेट्स रिड्यूस क्वालिटी, रिमूव बैरियर्स टू प्राइड वर्कमैनशिप, मतलब अगर अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक अभी मैं आपको बता दूं, मार्क जकरबर्ग फेसबुक का जो ओनर है उसका कोई अलग केबिन ही नहीं है, उसका क्यूबिकल और बाकी जो एम्प्लॉयज है उनका क्यूबिकल सब साथ में ही है। सो बहुत ज्यादा हायरार्कीज नहीं होना चाहिए, पीपल शुड बी एबल टू टॉक टू ईच अदर फ्रीली एंड इम्प्लीमेंट एडुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज ऑलवेज शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब। सब लोग को इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा, तब भी डेमिंग्स का जो क्वालिटी का पॉइंट्स है विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द करेक्ट मैनर पॉसिबल। सो दिस आर अबाउट द डेमिंग 14 पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, अब एक बार अपन लोग साथ में रीड कर लेते हैं सो दैट दिमाग में फिट होते जाएगा। पहला, क्रिएट कॉन्स्टेंट पर्पस टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म छोड़ो लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करो। न्यू फिलोसॉफी, कोई नया चीज आ रहा है, बी रेडी टू अडॉप्ट टू दोज न्यू फिलोसॉफी। जैसे मैंने जब पढ़ाना चालू किया था तो हम लोग का टिपिकल क्लासरूम का एक बोर्ड होता था, वो बोर्ड पे हम लोग लिखते थे और उस हिसाब से चीजें चलती थी। अब चीजें चेंज होती गई, अब टेक्नोलॉजी आ गया, सो नाउ वी आर टीचिंग यू थ्रू दिस वीडियो लेक्चर्स। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाओ इंस्पेक्शन के ऊपर आपको डिपेंडेंट ही नहीं रहना, इंस्पेक्शन करना ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा आएगा कि मुझे इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं। सिंगल सप्लायर रखो सो दैट वेरिएशन ना हो। इंप्रूव कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली फोकस यही रहना चाहिए कैसे इंप्रूव करूं बार बार लगातार। यूज ट्रेनिंग ऑन द जॉब, इंस्टीट्यूट लीडरशिप ट्रेनिंग अपने आप का करवाते रहो फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग। आज मेरे को भी से कोई नया चीज आया, जीएसटी आया, चैट जीपीटी आया, मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने जीएसटी का चैट जीपीटी का ट्रेनिंग लिया एंड दैट्स हाउ आई वर्क्ड इट वर्क फॉर इट। एलिमिनेट फियर, प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम एक्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट इंटरेस्ट। फिर ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, ठीक है, इंप्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब। तो ये सब चीजें जब ज्वाइन होके बनेगी ना, दैट इज वेयर द डेमिंग्स 14 पॉइंट्स विल वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू द बेस्ट लेवल पॉसिबल। इसमें से कुछ चीजें जो अगर आपको ध्यान में रखनी है वो ये वाली है जो आ सकती है आपके एमसीक्यू में, एजुकेशन सेल्फ इंप्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन जॉब, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एलिमिनेट फियर बाय टॉकिंग टू द वेरियस डिपार्टमेंट, फ्यूल न्यू फिलोसॉफी अडॉप्ट करना है, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस, सिंगल सप्लायर के लिए डोंट कीप अ सिंगल सप्लायर, इंप्रूव कॉन्स्टेंटली, ट्रेनिंग होना चाहिए, लीडरशिप लेवल्स दे दो, अनक्लियर स्लोगन्स नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी अपने हो गए बार बार, सो आई थिंक अब दिमाग में रह जाएगा। फिर इसी हमारे डेमिंग ने, इसको शिवर्ट साइकिल भी बोलते हैं, डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं, पीडीसीए साइकिल भी बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। क्या आप लोग आपकी पढ़ाई के लिए ये पीडीसीए साइकिल यूज करते हो? अगर नहीं तो डेफिनेटली यूज करो। अच्छा, एमसीक्यू के लिए फुल फॉर्म प्लान डू चेक एक्ट आ सकता है। फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, आपको स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था। अब आपको इधर एग्जाम्पल ध्यान में रखना है एग्जाम्स का। एग्जाम्स के लिए पहले क्या करोगे आप करोगे सबसे पहले प्लानिंग, कितने आवर्स में कितना कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने डेज देने हैं मेरे को, ऑल ऑफ दैट, सो इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। फिर डू, फिर चेक और फिर एक्ट के बराबर है कि नहीं। तो अभी देखो, मैंने प्लान किया कि मैं आने वाले 10 दिन के लिए से डायरेक्ट टैक्स पढ़ूंगा, सो वो मेरा प्लानिंग हुआ। अब मैं क्या एक्चुअली पढ़ रहा हूँ क्या, तो मेरे को वो बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 10 दिन में अगर मेरे को डीटी कंप्लीट करना है तो मेरे को आज पीजीबीपी करना पड़ेगा, कल कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करना पड़ेगा, आज मेरे को पीजीबीपी करने के लिए 10 आवर्स है, सीजी कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए मेरे पास 8 आवर्स है, तो वेदर आई एम इम्प्लीमेंटिंग
डूइंग वॉट आई हैव प्लान, डू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस प्लान, फिर अपना एक टेस्ट दे देने का कि भाई ये 10 दिन में मेरा पूरा डीटी हो गया, चलो मैं डीटी का एक टेस्ट दे देता हूं। मैंने जैसे ही वो टेस्ट दिया, चेक द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू प्रोसेस, अगर मेरा चेकिंग भी हो गया है, नाउ इज द टाइम टू एक्ट एंड टेक करेक्टिव एक्शन, नाउ इज द टाइम टू एक्ट एंड टेक करेक्टिव एक्शन। समझ में आ गया? सो प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लानिंग करो, क्या क्या चीज का प्लानिंग करोगे आप? यस, यू विल एंश्योर दैट यू आर प्लानिंग फॉर योर स्टडीज, एग्जीक्यूट करो उसको, काम करो उस चीज से रिलेटेड, इंप्लीमेंट द प्रोसेस प्लान, चेक, टेस्ट दो, समझ रहे हो? तो ये देखो, इधर डीटी का प्लान बनाया, फिर इधर करो, चैप्टर वाइज आप लोग बराबर कर रहे हो कि नहीं, चेक, अपने को एक टेस्ट देना है, बराबर है, एंड एक्ट, टेक करेक्टिव एक्शन। सो अभी अगर टेस्ट में अगर कम मार्क्स आया है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे चीजों को सही करना है, इज योर एक्ट, PDCA साइकिल। गॉट इट एवरीबॉडी? डन। सो दिस इज अबाउट योर डेमिंग्स 14 पॉइंट्स एंड PDCA साइकिल। अब आ रहे अपन लोग ऑलमोस्ट लास्ट एस्पेक्ट ऑफ TQM के ऊपर, विच इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM। सो 6 C's भी हो गया अपना, फिर अपन लोग ने किया डेमिंग्स 14 पॉइंट्स, तो ये भी अब अपने को क्लियर है, एंड देन वी डिड PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट, साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट, and that is how my system works. अब आ जाते हैं अपन लोग अपने लास्ट एस्पेक्ट पे, as I told you, which is called as implementation of TQM. देखो यार, सिस्टम सही चल रहा है, TQM अपने को इंप्लीमेंट करना है, ये तो खाली हार्डकोर जस्ट रीडिंग वाला थियोरी है. सो इट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. फर्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा एंड इंश्योरिंग दैट द डेटा इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली. Should be delayed until the organization is in a state where TQM is likely to succeed. देखो, जब TQM implement करने वाले हो ना, तब फिर backout नहीं करना है. उसके बाद में उसके अंदर पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है. हाँ, समझ रहे हो? Say for example, मैं सोच रहा हूँ कल से मैं 10 घंटा पढ़ाई करूंगा और 3 दिन बाद वेकेशन पे जा रहा हूँ, तो भाई उससे अच्छा तू रहने ही देना यार. TQM implement करके फिर backout करके मतलब नहीं है. So you should be delayed until organization is in a state where TQM is likely to succeed. तो जब आप sure हो कि हाँ भाई अब सही हो जाएगा, तब आप TQM implement कर दो. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे unstable funding base, weak administrative system, lack of managerial skills, poor employee morale, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. Focus रहना चाहिए. We should be able to implement it. TQM would not be appropriate अगर if there is a unstable funding base, weak administrative system है, मैनेजरियल स्किल नहीं है, पुअर एम्प्लॉय मोरल है, तो TQM कभी आ ही नहीं पाए. कैसे करोगे तुम अगर पुअर एम्प्लॉय मोरल है और तुमको तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सबको इन्वॉल्व करके चलना है? इट विल नेवर बी एबल, यू विल नेवर बी एबल टू इम्प्लीमेंट. TQM वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट. अ मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द करंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एंड एरियाज इन नीड ऑफ चेंज. तो आप TQM इंप्लीमेंट करने के पहले एक मैनेजमेंट ऑडिट करवा लो, चेक करवा लो कि भाई सिस्टम्स आर इन प्लेस और नॉट, employee morale is there properly, you are whether eligible to put yourself in the level of TQM or not. Done. So this is about your implementation of TQM. And finally, ab aa rahe hain apan log iske last aspect ke upar, which is the criticisms of total quality management. So kuch bade bade naam hai jinhone isko criticize kiya. Albrecht Zemke, Carlson, याद नहीं रखना है आपको. उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो मतलब देखो, मेरे को तो ये क्रिटिसिज्म कोई बहुत ज्यादा वैलिड नहीं लगते, बट उन्होंने बोला है वी विल टेक इट. कभी कुछ पूछ लिया उसने MCQ में तो अपने को पता होना चाहिए, दैट्स द होल रीजन. अब सुनो, पहला, फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड इनमेजरेबल आउटकम. देखो, TQM बोलता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको डॉक्यूमेंट करो. गलत क्या है उसमें? मैंने आपको ऑलवेज स्टार्टिंग में बोला था TQM के कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको भी ये चीजें फॉलो करवानी है. तो वो फॉलो कब कर पाएगा? जब उसके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होगा तभी ना. तो सो व्हाट, आप जब बिग फोर में काम करने को जाओगे, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, विच इज गुड. मैंने JP Morgan जब ज्वाइन किया था तो मैं जिसको रिप्लेस किया, जिस बंदे को, वो जो भी काम करता था वो सब डॉक्यूमेंटेड था. आई वेंट थ्रू इट एंड इट वॉज इजी फॉर मी टू वर्क देयर. वैसा एम्फसिस ऑन क्वालिटी अश्योरेंस रादर देन इंप्रूवमेंट. सो फोकस ऑन
बहुत ज्यादा फोकस क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर है, इंप्रूवमेंट के ऊपर नहीं है। बस क्वालिटी लेकर आओ, अरे तो इंप्रूव करते करते आएगी ना क्वालिटी यार। एन इंटरनल फोकस एंड दैट इज एट ऑड्स विद एलिज्ड कस्टमर एलिजेड कस्टमर ओरिएंटेशन। उनका मानना है कि कस्टमर के ऊपर फोकस कम है, इंटरनल एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस ज्यादा है। बट अगेन दैट इज ऑल्सो गुड, अगर इंटरनली एम्प्लॉयज को अपन लोग अच्छा ट्रेनिंग देंगे तो कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा यार, राइट। एनीवे सो दे हैव क्रिटिसाइज्ड इट इन दैट वे कि भाई फोकस मोर इज ऑन डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी अश्योरेंस इंस्टेड ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इंटरनल इंप्रूवमेंट, विच अकॉर्डिंग टू मी इज गुड। ठीक है, फिर उसने बोला कि सुनो भाई देखो, तो ये तुम्हारे नेगेटिव्स है, क्रिटिसिज्म है, हम तुमको सही चीज बताएंगे। तो क्या है सही चीज? सही चीज है कस्टमर फोकस विद एन एम्फसिस ऑन TEI। एक नया कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया कार्ल जंग ने, क्या? टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय को अच्छी तरह से इन्वॉल्व करो, उसका मोराल अच्छा रखो, इंश्योर दैट ही इज टोटली कमिटेड टू हिज वर्क, लॉयल टू द विजन ऑफ द कंपनी थ्रू परसूट ऑफ टफ विजिबल गोल्स, रिकॉग्निशन ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज एज द ट्रू एसेट्स ऑफ द कंपनी। कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहो वो लोगों को, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स वर्कफोर्स है, तो सेल्स वर्कफोर्स को कई बार कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, दैट इज देयर मोटिवेशन। ये आजकल जो आपके इतने सारे एप्स आते हैं, एप्स पे एक फीडबैक लिया जाता है, 4 स्टार दो, 5 स्टार दो, दैट कैन एक्ट एज अ मोटिवेशन। सो आपके अलग अलग तरीके, बट कीप ऑन मोटिवेटिंग दी एम्प्लॉयज। कौन से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो? जिसके कस्टमर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो आजकल तो अपन लोग देखते ही है ये ओला उबर और जोमैटो और स्विगी और डंजो और ये सब के जो एम्प्लॉयज आते हैं, आपको बोलते हैं रेटिंग दे देना अगर आप सेटिस्फाइड हो तो, उससे वो लोग को अच्छा अपग्रेड ऑफ पे स्केल मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग हायरार्किकल टायर्स ऑफ अथॉरिटी टू अलाउ डायरेक्ट एंड स्पीडी रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स। मतलब अगर कोई आर्टिकल क्लर्क गया है कहां पे काम करने के लिए और उसने पूरा ऑडिट और स्क्रूटिनी किया है, लेट हिम टेक द डिसीजन विद द क्लाइंट, लेट हिम डिस्कस इट विद द क्लाइंट डायरेक्टली। और ज्यादा हायरार्की मत करो कि भाई इसने काम किया है, फिर ये सीनियर को बताएगा, फिर सीनियर पार्टनर को बताएगा, फिर पार्टनर डिस्कस करेगा। अरे काम इसने किया है और डिस्कशन पार्टनर कर रहा है, बीच में तो सब चीजें लॉस्ट हो जाएगी। ऐसा मत करो, डेलीगेट कर दो अपना अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट होता है जहां पे एवरी डिसीजन इज विद द टॉप अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन वेयर द डिसीजन मेकिंग इज एट द डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। सो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। सो यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं भाई, क्या पहले तो क्या क्रिटिसिज्म है, तो 3 क्रिटिसिज्म है और फिर उसको कैसे इंप्रूव किया गया, वो तीनों चीजें भी लिख लेते हैं। देखो ये नोट्स जो है आपको एक बार रिवाइज करते जाना है, सो दैट आपके दिमाग में सेट होते जाएगा एग्जाम के पहले, राइट। सो क्या है मेरे 3 क्रिटिसिज्म? फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। फिर दूसरा क्या बोलते हैं वो लोग, फोकस मोर ऑन क्वालिटी एंड एश्योरेंस रादर देन इंप्रूवमेंट। सो फोक क्वालिटी एश्योरेंस। फिर थर्ड, इंटरनल फोकस दैट इज एट ऑड्स विद एलिज्ड कस्टमर ओरिएंटेशन। सो TQM इंप्लीमेंटेशंस का एक और प्रॉब्लम है कि मोर फोकस इज ऑन इंटरनल थिंग्स, सो इंटरनल फोकस ज्यादा है। इसको इम्प्रूव करने के लिए कार्लसन ने क्या सजेस्ट किया? TEI, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। पहला, लॉयल्टी टू द विजन ऑफ द कंपनी थ्रू परसूट ऑफ टफ विजिबल गोल्स। सो लॉयल्टी, एम्प्लॉय लॉयल्टी मैं इधर लिख लेता हूं भाई। सो फोकस इज ऑन एम्प्लॉय लॉयल्टी। ओके, देन सेकेंड, सेटिस्फाइड कस्टमर एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। बहुत सही कॉम्बिनेशन है, सेटिस्फाइड कस्टमर एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय। नेक्स्ट,
डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ताकि स्पीड हो जाए काम में, एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो डेलीगेशन एक तो होना चाहिए डेलीगेशन, दूसरा होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन, बस ये सब मिला के बनता है मेरा TEI, टोटल एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट। गॉट इट? डन। यस सर, डन डन डन। Albrecht suggested that TQM may not be appropriate for service-based industry. सीधी सी बात है, जो हमारा TQM बना था वो टाइम पे बना था जब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही पूरा फोकस था। आज दुनिया सर्विस ओरिएंटेड पे आ गई है, तब तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ही था ना अपना सिस्टम पूरा। सो यस यू आर राइट, सर्विस बेस्ड के ऊपर नहीं है वो। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस इग्नोर द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिकमेंड्स अ मूव टुवर्ड्स TQS, टोटल क्वालिटी सर्विस, विच इज मोर कस्टमर ओरिएंटेड एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट टू प्रमोट एंथुजियाज्म एंड कमिटमेंट, ठीक है। वो बोल रहा है भाई ये सब करते करते अपने को जाना चाहिए कहां पे, टुवर्ड्स TQS, टोटल क्वालिटी सर्विस। तो और एक वर्ड है TQS याद रखने का, अगर पूछ लिया तो कि TQS क्या होता है, इट इज टोटल क्वालिटी सर्विस। करेक्ट। ऑल्सो पुअर सर्विस इज एसोसिएटेड विद स्लॉपी प्रोसीजर्स, एरर्स, इनएक्यूरेसीज, पुअर कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ विच ही प्रेजेंट इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू टाइटर कंट्रोल्स। डन। ओके, नेक्स्ट है अपना क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये खाली एक एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अपने को एग्जाम्पल आइडिया होना चाहिए भाई क्या होता है, इतना TQM से रिलेटेड है तो क्या होता है मार्केट में इसका, यू नो इससे रिलेटेड अवार्ड मिलते हैं। इंडिया में टाटा को मिला हुआ ये अवार्ड, एंड दैट्स हाउ इट इज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक जो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का लिए अभी अपना थियोरी वाला पार्ट इधर ही कंप्लीट एज यूजुअल। तो अपना थियोरी के बाद अपन करेंगे कुछ प्रैक्टिकल और फिर करेंगे कुछ MCQs, क्या बोलते हो? डन। चलो, सो टुडेज कस्टमर डिमांड एंड एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी, बट ऑब्वियस चाहिए ही चाहिए। कंपनीज दैट डू नॉट मेक अ क्वालिटी प्रोबेबिलिटी रिस्क लॉन्ग रन सर्वाइव, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओ बाहर मार्केट से। वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन जैसे जनरल इलेक्ट्रिक एंड मोटरोला एट्रीब्यूट द सक्सेस टू हैविंग वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बोलते हैं दैट वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज सिक्स सिग्मा, वेयर डिफेक्ट इज रिड्यूस्ड टू 3.4 पार्ट्स पर मिलियन। चैप्टर 3 में इसको डिटेल में पढ़ने वाले, बता दूं। इसमें ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा, द फुल टाइम जॉब ऑफ ब्लैक बेल्ट इज टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम्स। फिर एक और मॉलकॉम ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड होता है। बोथ जी एंड मोटरोला हैव एट द प्राइमरी गोल ऑफ अचीविंग टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू दिस एंड एफर्ट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव इंक्लूडेड एलिमिनेटिंग ऑलमोस्ट ऑल डिफेक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड ट्रांजैक्शंस। बोथ कंपनीज कंसीडर क्वालिटी टू बी द क्रिटिकल फैक्टर रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स एंड मार्केट शेयर एज वेल एज कॉस्ट सेविंग यूजिंग TQM एंड सिक्स सिग्मा। अब TQM तो पता चल गया, सिक्स सिग्मा जब आएगा तब देख लेंगे, बट खाली एक रीड है, इग्नोर कर लेना इसको, नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। एनीवे, सो विद दिस वी कंप्लीट आर सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो कल अपन लोग का बात हुआ था भाई COQ क्या है वो पता हो गया, अब अपने को आज पता चल गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM के कुछ फीचर्स है वो अपने को यहां पे पता चल गए। ओके, फिर सिक्स सीज ऑफ TQM अपने को यहां पे पता चला है, क्या सिक्स सीज है? कमिटमेंट, कल्चर, कोऑपरेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। डेमिंग 14 पॉइंट्स ध्यान में है, PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, क्रिटिसिज्म उसको इंप्रूव करने के लिए, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, और आज की तारीख में यूज करना चाहिए टोटल क्वालिटी सर्विसेज। गॉट इट एवरीबॉडी? डन। चलो, अब थ्योरी के बाद अपन लोग चलेंगे अभी MCQ के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कराया था, बट मैं अभी MCQ करवा देता हूँ। तो एक बार अपना MCQ हो जाएगा, थ्योरी के बाद MCQ कंप्लीट हो जाएगा, मेरा उसके बाद मैं प्रैक्टिकल सम्स भी करवा लूंगा। क्यों MCQ करवा रहा हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs कम है, लिमिटेड है, तो फटाफट बेसिकली अपना हो जाएगा। चलो, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। ओपन 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 दिस। कल 28 तक अपन लोग ने कर लिया था, तो उसके आगे का अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओपन द SK MCQs आप लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? चलो, सो अकॉर्डिंग टू डेमिंग, भाई हीरो है अपना,
फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू डेमिंग. हायर क्वालिटी रिजल्ट्स इन हायर कॉस्ट, नेवर. लीड्स टू कॉस्ट सेविंग्स, यस. इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी, डजंट इंपैक्ट कॉस्ट, नहीं. लीड्स टू कॉस्ट सेविंग्स. वॉट आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट दैट आर देयर? स्क्रैप एंड रिवर्क, नहीं, ये तो इंटरनल फेलियर का है. पैकेजिंग इंस्पेक्शन, ये तो अपना अप्रेजल का है. रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, एक्सटर्नल फेलियर का है. क्वालिटी ऑडिट्स, 29 को उधर टिक कर दो. नेक्स्ट, सिक्स सीज ऑफ टीक्यूएम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. कमिटमेंट है, कल्चर है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, क्रिएटिविटी नहीं है. जो नहीं है उसको टिक मारा. बाबा, चलो नेक्स्ट. TQM focuses on meeting shareholders' needs, meeting customer needs, reducing employee involvement, increasing production cost, meeting customer needs. Customer के ऊपर ही focus है भाई TQM का तो. What does PDCA cycle stand for in TQM? Plan, do, control, analyze, नहीं. Perform, develop, check, नहीं नहीं. ये रहा plan, do, check, act. ये देखो अभी सब अभी किया हुआ है ना, इसके लिए easy लग रहा है. जब एग्जाम के सामने आएगा ना तो चारों ऑप्शन सेम ही लगने वाले हैं. ध्यान रखना, थोड़ा ग्रिप रखना. अच्छा, नेक्स्ट. व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन टीक्यूएम इंप्लीमेंटेशन? सो क्या क्या है? डिले इंप्लीमेंटेशन अंटिल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड. ओके. इंप्लीमेंट टीक्यूएम रिगार्डलेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, नो. फोकस ओनली ऑन कस्टमर नीड्स, नो. Skip the management audit process, no. Delay implementation until organizational problems are involved. So 33 ka A. 33 ka A. Next, 34. Critics of TQM have pointed out. Kya point out kiya hai hamare critics of TQM ne? Let's see. Customer centric over emphasis on quality assurance. 34B. 34B. नेक्स्ट, हो सकता है एक दो मिस्टेक हुई. 33 ए है, शायद पीछे तुम लोग का 33 बी है. ध्यान रखना ये 33 ए है. तुम लोग को कभी कोई ऐसा मिस्टेक दिखे तो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर ये होना चाहिए था, तो आई जस्ट इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट. ठीक है, हो सकता है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. ओके, अभी मैंने कुछ जो मार्क किए खाली वही वाले करने अपने को, बाकी सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो अपन कल करेंगे. PDCA cycle is also known as Six Sigma wheel, नहीं, Deming wheel, it is called as Deming wheel. Next, next, जो मैंने mark किया हुए देखना, तो 42 पे आ जाओ. What does iceberg model represent in the context of cost of quality? Only a minority cost are obvious, majority are hidden. Okay, yes, yes. Many cost are visible, only few are hidden. नहीं, नहीं, नहीं. Majority are hidden. 42B. ओके, 43 क्वेश्चन पे आ जाओ. 43 पे, व्हाट डज डमिंग 14 पॉइंट मेथडोलॉजी एम्फसाइज? शॉर्ट टर्म ओवर लॉन्ग टर्म, नेवर. डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, नेवर. फियर एज अ प्रोडक्टिव मैनेजमेंट टूल, नेवर. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर फोकस, ऑलवेज. व्हाट इज द मेन एम्फसिस ऑफ 6C ऑफ TQM? रिड्यूसिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एट ऑल लेवल्स. यस, सो आई थिंक इस चैप्टर अभी तक जो अपना TQM का जो पार्ट हुआ है उतना तक का यही है. सो अप्रोक्सीमेटली 10-12 MCQ सॉल्व्स टुडे एज वेल. सो आज का अपना कंटेंट थ्योरी वाला हो गया, आज का अपना कंटेंट MCQ वाला हो गया. अब अपन लोग चलेंगे टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. तो अब अपन लोग ओपन करेंगे अपना प्रैक्टिकल बुक. सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था, और अब उसके बाद आगे का चीज वी विल स्टार्ट. ओपन द प्रैक्टिकल बुक नाउ. चल एक बार अपना ये ओपन करके फर्स्ट सेकंड हो गया है, तो अब आगे पढ़ेंगे अपन. थर्ड इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कल के बाद थर्ड और फोर्थ कर पाएंगे अपन. अभी आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. ठीक है, चल मैनेजेबल सम, मजा आएगा करने में. चलो, सो वी विल स्टार्ट. एवरीबॉडी प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 6, साथ में इसको सॉल्व करेंगे. एंड लेट्स डू इट. द CEO ऑफ P लिमिटेड इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज करंटली स्पेंट on customers' warranty claims. Each box of its product is printed with a logo, satisfaction guaranteed or money back. P Limited is having difficulty competing with X Limited because it does not have the reputation for high quality that X Limited enjoys. Oh,
तो पी लिमिटेड का कॉम्पिटिटर एक्स लिमिटेड. सिंस द वारंटी क्लेम्स आर सो हाई, द सीईओ ऑफ पी लिमिटेड वुड लाइक टू इवेल्युएट व्हाट कॉस्ट्स आर बीइंग इंकर्ड टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंटेन्ड. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन द कंपनी. वारंटी क्लेम्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट्स, रीवर्क, लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉस्ट कस्टमर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड रेप्यूटेशन, cost of rejected units, sales return processing and testing. Okay, for the year 23-24 the CEO is considering spending the following amount on new quality program. तो फिलहाल उसके ये costs हो रहे हैं, ठीक है, but यहाँ पे अब CEO को लग रहा है कि यार एक नया quality program डालता हूं जहां पे मैं prevention and appraisal cost अपने बढ़ा दूंगा. तो उसमें मैं क्या क्या देखूंगा, inspect raw material, re-engineer the production process to improve product quality, सप्लायर स्क्रीनिंग एंड सर्टिफिकेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन प्लांट इक्विपमेंट. अब ये सब मैं क्यों खर्चे कर रहा हूं, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल खर्चे क्यों करते हैं, करेक्ट, ताकि मेरे जो इंटरनल फेलियर है एक्सटर्नल फेलियर है वो कम हो जाए. पी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स द न्यू क्वालिटी प्रोग्राम टू सेव कॉस्ट बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स, रिडक्शन इन लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉस्ट सेल्स ड्यू टू इम्पेयर्ड रेप्यूटेशन 8 लाख. वाओ, तो लॉस्ट प्रॉफिट्स था 8,10,000, अब मेरा रिडक्शन उसमें कितना हो जाएगा 8 लाख का, मतलब खाली 10,000 बचेगा उतना खर्चा. वाओ, रिडक्शन इन रिवर्क कॉस्ट 2,50,000, रिडक्शन इन वारंटी 325, रिडक्शन इन सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग 1,50,000, राइट, डन. प्रिपेयर अ कॉस्ट क्वालिटी स्टेटमेंट फॉर द ईयर 22-23 शोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंकर्ड इन ईच कॉस्ट कैटेगरी. Prepare a cost benefit analysis of the new quality program showing how the quality initiative will affect each cost category. State how the manager trade-offs among the 4 categories of quality costs. So, काफी अच्छा question है, इसमें अपने को percentage of quality cost find out करना है. So, we will be able to do it. तो सबसे पहले तो 22-23 का अपने को एक cost quality statement बनाना है, right? तो ये रहा मेरा वो cost quality statement. इसको मेरे को divide करना पड़ेगा. कौन सा मेरा कौन सा कॉस्ट है, चलो अब प्लीज तुम लोग मेरी हेल्प करो बताने में कि कौन सा कॉस्ट कौन से कैटेगरी में जाएगा. 22-23 का कॉस्ट कौन से कैटेगरी में जाएगा, वारंटी क्लेम्स, करेक्ट, ईएफसी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, डन. एम्प्लॉय ट्रेनिंग, देखो एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर का तो नहीं, अप्रेजल का और प्रिवेंशन का. एम्प्लॉय ट्रेनिंग में कहना इसे पहले ही दे दूंगा ताकि गुड्स अच्छे बने, करेक्ट. सो मैं इधर लिख देता हूं प्रिवेंशन कॉस्ट. रीवर्क, इंटरनल फेलियर कॉस्ट. लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम लॉस्ट कस्टमर्स, ओ हो, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, ये तो बहुत ही बुरी बात है, सो इंटरनल फेलियर कॉस्ट. देखो क्या होगा, गुड्स बनने के बाद मैं उसको इंस्पेक्शन करूंगा, इंस्पेक्शन पे मुझे दिख जाएगा ओ ये तो यूनिट्स खराब है, रिजेक्टेड है, इसको फेंक दो, बराबर है, फेंक दो या उसको ठीक करो. तो ठीक करवाने का कॉस्ट है, तो जो जो यूनिट रिजेक्ट हो गया था उसको ठीक करवा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स. सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, सेल्स रिटर्न, भाई कहीं पे भी सेल्स वर्ड आ गया तो एक्सटर्नल फेलियर, मतलब कस्टमर के पास बात पहुंच चुकी है. एंड लास्ट इज टेस्टिंग, टेस्टिंग अपन लोग करेंगे अप्रेजल में. सो ये हो गया मेरा डिविजन. अब इसको थोड़ा सा एक बार मैं को प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन सा परसेंटेज कौन सा है. मैं आपको बताता हूँ इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एमसीक्यू क्या बन के आता है, वो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट में. अभी खाली मेरे साथ बने रहिए और सॉल्व कीजिए. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाओ. अपने को बताना है स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एज अ परसेंटेज. सो वी विल राइट हियर स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट. फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं अपन. स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, चल आ जाओ. तो सबसे पहले क्या क्या खर्चे हुए हैं वो अपने को देखने पड़ेंगे. तो वेट मैं बताता हूं, इसको 4 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे. लॉजिकली अगर आप देखो तो प्रिवेंशन का एक ही, अप्रेजल का एक ही है, ईएफसी के 1, 2, 3 है और आईएफसी के 2 है, ठीक है. सो उससे क्या अपने को आइडिया आता है कि भाई चलो प्रिवेंशन का एक ही है तो उसके लिए कम जगह छोड़ेंगे, अप्रेजल का भी एक ही है तो उसके लिए कम जगह छोड़ेंगे,
इंटरनल फेलियर कॉस्ट के दो है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली जगह छोड़ेंगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के तीन है तो उसके लिए ये जगह छोड़ेंगे, राइट डन। अब क्या क्या मेरे कॉस्ट इंकर्ड है, परसेंटेज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट देखना पड़ेगा अपने को, जरूर जरूर देखना पड़ेगा अपने को कॉस्ट इंकर्ड इंडिविजुअली एंड टोटल मेरा कितना कॉस्ट इंकर हुआ है, मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब, एंड फिर इधर मेरे को पता चलेगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड। चलो आ जाओ, सबसे पहला प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का देखो क्या है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट 1,20,000, सो एम्प्लॉय ट्रेनिंग 1,20,000। अब प्रिवेंशन का टोटल कॉस्ट भी वही है 1,20,000, ठीक है कोई बात नहीं, होता है उसमें क्या हो गया। फिर अप्रेजल आ गया मेरा, ये हो गया ये अप्रेजल, टेस्टिंग 1,70,000, तो इधर अपन लोग लिख लेंगे टेस्टिंग 1,70,000, ठीक है ना। तुम लोग बोलोगे सर हमको लिखना है कि हमको आराम करना है, आप बस लिखते जाओ, भाई तुम लोग नसीब लेकर आए हो, सर से लिखवा रहे हो, खुद आराम कर रहे हो, डोंट डू दैट। एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आएंगे ना तो प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बता रहा हूं। फिर रहता है आईएफसी, तो रीवर्क है उसमें और कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स है, सो रीवर्क, दूसरा है कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। अच्छा रीवर्क में क्या क्या है, 3 लाख कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स 50,000, सो 3 लाख प्लस 50,000, 3,50,000, एंड देन फिर बाद में आ जाता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इसमें काफी सारा है, क्या क्या है देखो जरा, वारंटी, लॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल्स रिटर्न, वारंटी, लॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल्स रिटर्न। बोलो क्या है वारंटी में, 425, 810, 175, सो 425, देन 810,000, फाइनली 1,70,000, बराबर है। चलो तीनों का टोटल करो, तीनों का टोटल करो, मेरा कैलकुलेटर किधर है, चलो ठीक है हाथ से ही कर लेंगे तो भी हो जाएगा 12 and 13। सर सेल्स रिटर्न 175 है सर, ओके सो ये हो जाता है 14,10,000, ठीक है समझ में आ गया इतना। अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है और ऐसा ही कुछ आ सकता है एमसीक्यू में, टेल द परसेंटेज ऑफ प्रिवेंशन एज अ टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट देखो कितना आ रहा है, 120, 170, 350, 1410, तो ये आ गया 20,50,000, बराबर है। अब परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट देखो, सो 1,20,000 डिवाइड बाय 20,50,000, तो वो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है दैट हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर प्रिवेंशन कॉस्ट विच इज 5.85%। फिर 170 डिवाइड बाय 20,50,000, 8.29%। फिर 350 डिवाइड बाय 20,50,000, 17.07%। 14,10,000 डिवाइड बाय 20,50, करेक्ट 6.88%, कुछ तो गड़बड़ है, 68.88%, राइट। बस ये रहा आपका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का,
इसमें एमसीक्यू क्या आएगा, सीधा वो पूछ सकता है ईएफसी का बताओ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इंकर्ड। सो आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना ही पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। समझा? डन सर। नेक्स्ट लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। प्रिपेयर अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ न्यू क्वालिटी प्रोग्राम शोइंग हाउ द क्वालिटी इनिशिएटिव विल अफेक्ट ईच कॉस्ट कैटेगरी। सो अब यहां पे मेरा भाई क्वालिटी कॉस्ट की वजह से काफी सारा कॉस्ट कम होने वाला है, बट उसके लिए देखते हैं मेरे को कितना फायदा होगा। तो अब मैं आ जाता हूं मेरे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे मुझे बनाना है, हेलो, मुझे बनाना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जहां पे मुझे बनाना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो देखते हैं क्या है मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहां पे देखो ये रहा, ये चार मेरे को कॉस्ट इंकर करने पड़ेंगे और ये चार कॉस्ट के सामने मेरे को नीचे वाला सेविंग्स हो जाएगा। सो आई थिंक चलो इवेल्युएट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ जाता है पहले वो देखते हैं अपन लोग। तो मेरे को ये चार कॉस्ट इंकर करने हैं। कौन से है ये चार कॉस्ट? रिडक्शन इन, सॉरी ये तो हो रहा है वो, ये रहा इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल, कैन आई से प्रिवेंशन रिलेटेड कॉस्ट हो गया ये तो। री इंजीनियर द प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रिवेंशन में भी जा सकते हैं, अप्रेजल में भी जा सकता है। सप्लायर स्क्रीनिंग एंड सर्टिफिकेशन, प्रिवेंशन पहले ही देख लो कैसा है वो, प्रिवेंटिव वर्ड ही यूज कर रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो बात ही खत्म हो गई। तो चलो आओ देखते हैं कि ये चार चीज से अपने को क्या होगा। इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल कैन बी अ पार्ट ऑफ योर अप्रेजल, चलो मानता हूं ठीक है। आओ लेट्स स्टार्ट नाउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो मैं अब अगेन वही अपना टिपिकल वाला फॉर्मेट बनाऊंगा, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का अपना फॉर्मेट बनता है ना बेटा, वही फॉर्मेट में यहाँ पे बनाने वाला हूं और उसी फॉर्मेट के जरिए से मेरा आंसर आएगा। तो देखो इधर क्या मैं बोलने वाला हूं कि भाई देखो मेरा प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ा, क्या बढ़ा मेरे प्रिवेंशन कॉस्ट में, तो मेरे चार कॉस्ट जैसे री इंजीनियर द प्रोडक्शन प्रोसेस 750,000, री इंजीनियर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसके लिए मेरा 750,000 रुपीज का खर्चा हुआ है इन री इंजीनियरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर बाद में दूसरा और क्या हुआ, सप्लायर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये भी तो मेरा हुआ है, तो सप्लायर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितना है 30,000 एंड 70,000, राइट। तो टोटल मेरा प्रिवेंटिव में कितना खर्चा हो गया 8,50,000, प्रिवेंटिव में मेरा कितना खर्चा हो गया 8,50,000। ओके उसके बाद प्रिवेंटिव के बाद मैं क्या करूंगा, अप्रेजल कॉस्ट, क्या है मेरा अप्रेजल कॉस्ट कुछ इंकर हुआ है, हाँ हुआ है, क्या इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल 1,20,000 रुपए का, इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल 1,20,000, 850 को भी यहां लिख देता हूं, राइट, इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल 1,20,000, डन। फिर नेक्स्ट, अब ये अगर मेरा हो गया तो मैं देखता हूं कि मेरा भी सेविंग्स कितना हुआ है, बराबर है, सी एंड ऑफ द डे मेरे को तो मेरे सेविंग्स से ही लेना देना है। कॉस्ट कितना इनकम हुआ है मेरा 9,70,000, 9,70,000 का मेरा खर्चा हुआ है और सामने मेरा सेविंग्स कितना हुआ है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। काफी सारा सेविंग्स हुआ है मेरा, ये देखो इधर रिडक्शन इन लॉस्ट प्रॉफिट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम हो गया, एक तो है आईएफसी और नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूं ईएफसी, सो रिडक्शन इन लॉस्ट सेल्स कितना 8,00,000 रुपीज से मेरा कम हुआ है, सीधा जितना कम हुआ है वही मेरा बेनिफिट है, वही इधर मैं लिख दूंगा, राइट। नेक्स्ट रिडक्शन इन रीवर्क 2,50,000, कहना ये तो आईएफसी है,
सो रिडक्शन इन रिवर्क कितना 250, सो इधर मैं लिख देता हूँ 2,50,000। सुनो ना, ये 9,70,000 इधर लिख देता है, ठीक है। अब सेविंग्स को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये इधर मैं लिख देता हूं टोटल कॉस्ट इंकर्ड, राइट। ओके, रिडक्शन इन रिवर्क 750, देन रिडक्शन इन वारंटी कॉस्ट, तो कहना इसे ये मेरा ईएफसी है, रिडक्शन इन वारंटी तो वो आता है 3,25,000, एंड लास्ट रिडक्शन इन सेल्स रिटर्न 1,50,000। तो सेल्स रिटर्न 1,50,000, बोलो कितना मेरा सेविंग्स हुआ है, ये देखो जरा सेविंग्स कितना हुआ है, तो इधर का 250 ऊपर 250, तो 250 प्लस 8,00,000 प्लस 3,25,000 प्लस 150, टोटल हो जाता है 15,25,000। और सामने खर्चा कितना हुआ है देखो जरा, 9,70,000 का खर्चा हुआ है, कॉस्ट कितना 9,70,000 का, सो टोटल मेरा कितना सेविंग हुआ है देखो जरा 555। यस, सो नेट बेनिफिट मेरे को यहाँ पे कितना हो रहा है, एग्जाम में सर कैसा क्वेश्चन आएगा, सीधा वो आपको बोलेगा 5,55,000 कैलकुलेट करके दिखाओ, बिकॉज इनिशियल लेक्चर्स है तो मेरे को पूरा डिटेल में मैं तुम लोगों को करके बता रहा हूं, बाकी कुछ कुछ सम्स तो कैलकुलेटर पे भी हो जाएंगे टाइम आने पे, वो भी बताऊंगा, नॉट टू वरी, टाइम आने पे वो भी बताऊंगा। समझ में आ गया, सो कहना इसे ये मेरा इसी से सेकेंड पार्ट हो गया। सो अब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ आता है तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, एंड ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ना ये लोग ने शायद इसमें डाला है मॉडल टेस्ट पेपर में, सो सही है, इंपॉर्टेंट था, कर लिया। स्टेट हाउ द मैनेजर ट्रेड ऑफ बिटवीन द फोर क्वालिटी कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। अब इसमें देखो, अब अपने को थियोरी तो है नहीं, एमसीक्यू है, तो इसमें अगर थियोरी वाला होता तो आपको पूरा ज्ञान पेल के आना है। कौन सा ज्ञान देके आना है आपको यहाँ पे, कि भाई मेरे चार कॉस्ट कितने हैं, तो कल का मेरा जो सेशन था रिलेटेड टू फोर क्वालिटी कॉस्ट, भर भर के इसमें लिख के आओ, भर भर के इसमें लिख के आओ, ये वही चार है। यस, ये वही चार है, जितना आप लोग यहाँ पे अभी लिख के आओगे पूरा पूरा वही आपको सब बताना है। प्रिवेंटिव एंड अप्रेजल, अप्रेजल कॉस्ट के बारे में, जीरो डिफेक्ट करने के बारे में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा, ठीक है ना। सो यही है, बट अगेन नाउ वी डोंट हैव द यू नो थियोरेटिकल आंसर्स टू बी रिटन, सो अपन बच गए, अपने को खाली आइडिया होना चाहिए भाई प्रिवेंशन अप्रेजल इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर का, बस उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें लिखी है विच वी शुड नो फॉर एमसीक्यू पर्पस एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। इसी के साथ होता है ये वाला क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट, सो एज डिस्कस दो सिक्स क्वेश्चन इज नाउ टोटली डन, चल रहे अभी अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ एवरीबॉडी ओपन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाओ सब लोग, कमान 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 फटाफट। आई होप हाँ ये वाला क्लियर हो गया होगा, एकदम मस्त डिटेल में करवा दिया तुम लोग को, तो क्वेश्चन 6 हो गया होगा, नोट्स है तुम लोग के पास एक बार गो थ्रू कर लेना, डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, चलो कम टू क्वेश्चन 999। एच ऑटोमोबाइल ग्रुप फोकस कैमरा फोकस, एच ऑटोमोबाइल ग्रुप इज अमंग द टॉप 20 बिजनेस हाउसेज इन इंडिया, इट हैज बीन फाउंडेड इन द ईयर 1930 एट द हाइट ऑफ इंडियाज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, द ग्रुप हैज एन इलस्ट्रियस हिस्ट्री, एच's footprint stretches over a wide range of industries spanning automobiles, two wheelers manufacturers and three wheeler manufacturers, H's headquarter is located at Hyderabad, bike production is one of the segment of H group, management of H wants to analyze the following actual information for the month of April, customer data
customer complaint center cost, equipment testing cost, warranty repair cost, manufacturing rework cost, volume and activity data, bikes requiring manufacturing work, bikes requiring warranty repair, production line equipment testing time, and customer complaints center time. Additional info. Due to the quality issues in the month, the bike production line experienced unproductive downtime, which costs ₹7,70,000. H carried out review of its existing suppliers to enhance quality levels during the month at a cost of ₹1,25,000. Prepare a statement showing total quality cost. Advise any two measures to reduce the non-conformance cost. Chalo bhai, chalo. Start karenge fatafat. Ek statement bana lenge total quality cost ka. To idhar dekho. Question mein kya diya hua hai? Complaint, customer complaint center cost. सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करके बताओ दैट ये प्रिवेंशन अप्रेजल इंटरनल फेलियर या एक्सटर्नल फेलियर में जाएगा. ये आपको मुझे बताना है, ये आपको मुझे बताना है. बोलिए कहां पे जाएगा ये कस्टमर कंप्लेंट सेंटर कॉस्ट. कस्टमर नाम आ गया मतलब आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना. Correct. It will go in EFC. Equipment testing cost. Bolo. Achha, 35 per hour. Huh? Listen. Hello. 35 per hour. And customer center time 2000 hours. So total kitna cost ho gaya? To idhar hi saath saath mein likhte jao. Question 9. Solution. Yes, 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 come on. Question 9, solution. Okay. So, first is customer complaint cost. I will write here customer complaint cost. Dekho, kitna hai customer complaint cost? 35 per hour. 35 per hour into total hours kitna hai? 2000 hours. Into 2000 hours. Bolo, kitna ho gaya? So 35 into 2000, 70,000. Aur ye kya hai? External failure cost. External failure cost. Right? Aise identify karte jana hai. It's continuing the second. So external failure cost. 70,000. Next, equipment testing cost. First, where will this equipment testing cost go? Equipment testing. Yaad karo. Prevention tha appraisal. Haan, appraisal mein jayega na beta. Correct. So, ye ho jata hai mera appraisal cost. Kitna? 18 per hour. Total kitna hai? Production life equipment testing time 1600 into 18. Appraisal mein jayega mera. Actually mujhe theek hai, divide kar dena chahiye tha. It's okay. Chalo ye mera jayega appraisal mein. Kya hai appraisal mein gaya mera? Equipment testing. Equipment testing. देखो कितना equipment testing का 18 into 1600. 18 per hour into 1600 hours. Correct. It is 28,800. Okay. Okay. Next. Warranty repair cost. Warranty external failure. Chip bar. बोलो कितना आएगा वारंटी रिपेयर 1560 पर बाइक. 1560 पर बाइक मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी बाइक्स वारंटी रिपेयर 2600 इनटू 2600 बाइक्स 1560 इनटू 2600 40,56,000. ओहो एंड देन लास्ट manufacturing rework 228 per bike
bikes requiring manufacturing rework 3200. So manufacturing rework is obviously क्या जाएगा इंटरनल फेलियर में, तो इधर चले जाएगा मेरा इंटरनल फेलियर मैन्युफैक्चरिंग रिवर्क. अच्छा भाई कितना है रिवर्क का कॉस्ट देखो जरा, 228 पर बाइक इनटू 3200 बाइक्स. सो 228 पर बाइक इनटू 3200 बाइक्स, सो 228 इनटू 3200 729,600. क्लियर? सो आई थिंक सही है. नेक्स्ट, ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज इन द मंथ बाइक प्रोडक्शन लाइन एक्सपीरियंस्ड अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम विच वॉज 7,70,000. ये अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम किधर जाएगा बोलो बोलो. चल चल करेक्ट. दिस विल ऑल्सो गो इन प्रिवेंशन. करेक्ट. सो सॉरी दिस विल ऑल्सो गो इन इंटरनल फेलियर. डाउन टाइम है, देखो क्या हुआ पता है क्या, बिकॉज प्रोडक्शन सही नहीं हुआ तो मुझे उस चीज को वापस ठीक करना पड़ा, तो उतना मेरा डाउन टाइम मतलब उतना टाइम वेस्ट जैसा ही है ना मेरा, तो आइडल टाइम जैसा है, इसलिए इंटरनल फेलियर. बिकॉज विद इन द फैक्ट्री है, टाइम वेस्ट हो रहा है, यस इंटरनल फेलियर. सो डाउन टाइम कॉस्ट तो बैठा बैठा दिया हुआ है कितना, 7,70,000. एंड द लास्ट इज एच कैरिड आउट अ क्वालिटी रिव्यू. क्वालिटी वर्ड आया मतलब समझ जाने का. प्रिवेंशन 1,25,000. सो प्रिवेंशन में अपन लोग ने किया क्वालिटी रिव्यू. कितना क्वालिटी रिव्यू है, इट विल बी 1,25,000. सब मिला के कितना हो गया है, सब मिला के टोटल कॉस्ट कितना हो गया है, सो इट विल बी 70,000. 70,000 के बाद Forty fifty six. 70,000 plus 40,56,000. 28,800 plus 770 plus 1,25,000. Please do your mathematics and tell me total cost कितना आ रहा है. It is 57,79,400. जी हाँ done clear. Okay so 57,79,400. फिर second part में बोला I need two measures to reduce the non-conformance cost. Non-conformance मतलब internal failure, external failure. So अपन लोग TQM use करेंगे, total productivity, prevention, appraisal cost बढ़ाएंगे, so that we are able to reduce the non-conformance cost. So I think ठीक है. Again more of theoretical part. इससे related जो MCQs है, वो अपन लोग कर चुके हैं, so not a problem. Okay, done. Time for me to say hasta la vista. So देखो, धीरे-धीरे अपना sessions का timing बढ़ते जा रहा है. 30 minutes. फिर 1 hour 30 minutes approximately अभी भी, और फिर धीरे धीरे अपन लोग इसको 2 hour पे करेंगे. कुछ कुछ लेक्चर्स वापस कम हो जाएंगे 1 to 1.5 hour के. सो इस हिसाब से अपन लोग जगल करते रहेंगे एंड आराम से कंप्लीट कर लेंगे. राइट, मैं नहीं चाहता हूँ कि एकदम ओवरबर्डन हो जाओ तुम लोग. आराम आराम से हंसते खेलते हो जाना चाहिए ये सब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाट द इंटेंशन इज. चलो गाइस, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता अगेन टुडे ऑल्सो एज प्रॉमिस्ड. थ्योरी डन, प्रैक्टिकल डन, एमसीक्यू डन. कीप स्माइलिंग. Bye-bye.